जो भजन है वो इनसे उनको गाने के लिए कहा जाता है उनको। तो मुझे लगता है कि ये अब हमारे मजहब के ऊपर सीधे एक हिसाब से अटैक कर रहे हैं। लगता है कि जो बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो इनका रैपिड हिंदुत्व है, उसको भी जम्मू कश्मीर में ही लेबोरेटरी बना के ये इसको जो है इसको इसको आजमाना चाहते हैं। कश्मीर, जहां पहले फिल्मों की शूटिंग होती थी, जहां महिलाएं अपने रंग बिरंगे कपड़े और प्रकृति से सुंदरता से कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाती थी, वहां फिल्मों की शूटिंग क्या, थिएटर भी आतंकियों ने बंद करवा दिए और वहां की लड़कियों के साथ जो हुआ वो तो आपने द कश्मीर फाइल्स में देखा ही। वहां जो लड़कियां बची थी उनके जीवन से रंग छीन कर काले लिबास से उन्हें ढक दिया गया, कश्मीर को पूरी तरीके से बदल दिया गया और राजनेता अपनी सियासत को चमकाने के लिए उस बदलाव पर तालियां बजाते रहे, न पंडितों के नरसंहार पर बोले और न ही भौगोलिक बदलाव पर। लेकिन अब जब आज कश्मीर अपने मूल स्वभाव में वापस आ रहा है, पहले जैसे रंग देखने को मिल रहे हैं, आतंकियों के आतंक के खिलाफ आवाज उठ रही है, तो इन सियासतदारों को पच नहीं रहा है। कश्मीर में तिरंगा लहराता है तो सियासी किरदारों के सीने पर सांप लौट जाता है, तो ये भजन कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। जी हाँ, कश्मीर में स्कूल के बच्चों ने राम भजन क्या गाया, महबूबा मुफ्ती के पैर से जमीन निकल गई। भड़कते हुए इसे भाजपा का हिंदुत्व इन्होंने बता दिया। कश्मीर में फिर से थिएटर खुल रहे हैं, बच्चियां फिल्म देखने के लिए निकल रही हैं। ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। जो जो कश्मीर विकास कर रहा है त्यों त्यों इन्हें अपनी दुकान बंद होते दिखाई दे रही है और इसीलिए बौखलाहट जारी है। महबूबा मुफ्ती राम भजन से बौखला कर क्या बोल रही हैं, पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसकी वजह से इन्हें मिर्ची लगी है। जो भजन है वो इनसे उनको गाने के लिए कहा जाता है उनको, और उनको टीचर्स भी यही काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब हमारे मजहब के ऊपर सीधे एक हिसाब से अटैक कर रहे हैं, और लगता है कि जो बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो इनका रैपिड हिंदुत्व है, उसको भी जम्मू कश्मीर में ही लेबोरेटरी बना के ये इसको जो है इसको इसको आजमाना चाहते हैं। अब देखिए स्कूल की वो वीडियो जो खुद महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, जिसमें बच्चे राम भजन गा रहे हैं। अब आपको महबूबा मुफ्ती का पूरा बयान सुनाते हैं। हर मजहब के लोग रहते हैं और हमारे आईन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सबको इख्तियार दिया है कि वो अपने मजहब के का फॉलो अप करे। और यही वजह है कि जो जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को दरकिनार करके एक जमहूरी हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया, एक सेकुलर हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया, ये सोच के कि यहाँ हमारी शिनाख्त और हमारे जो अलग अलग मज़हब हैं
उनकी पूरी हिफाजत होगी। पर बदकिस्मती की ये बात है, जहाँ इन्होंने हमारी शिनाख्त हमसे छीन ली, हमारी ज़मीनों के साथ क्या हो रहा है, हमारी नौकरियों के साथ क्या हो रहा है, वो आप लोग बखूबी जानते हैं। मगर अभी हमारे मज़हब के ऊपर भी आ गए हैं। हमारी जामे मस्जिद जम्मू जो कश्मीर में है, 2019 से उस पर ताला लगा हुआ है, वहाँ लोग जाके इबादत नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। अभी हाल ही में जो हमारे मज़हबी स्कॉलर्स हैं, उनको पुरानी किसी बयान के, जिसकी वो सज़ा ऑलरेडी काट चुके हैं, उनको जेलों में डाल दिया गया। और अब लेटेस्ट ये है कि हमारे स्कूल के बच्चों को, जो मुस्लिम बच्चे हैं, देखिए हम हिंदू मुसलमान में फ़र्क नहीं करते, मगर हर एक को हक दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अपने मज़हब को फॉलो करने का, और इन बच्चों को जो भजन है वो इनसे उनको गाने के लिए कहा जाता है उनको, और उनको टीचर्स भी यही काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब हमारे मज़हब के ऊपर सीधे एक हिसाब से अटैक कर रहे हैं, और लगता है कि जो बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो इनका रैपिड हिंदुत्व है, उसको भी जम्मू कश्मीर में ही लेबॉरेटरी बना के ये इसको जो है इसको आज़माना चाहते हैं। और ये कतई गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जम्मू कश्मीर के लोग बहुत सब्र किए हुए हैं, बहुत उन्होंने सब्र का दामन जो है पकड़ा हुआ है, मगर ये नहीं चलेगा। हम गांधी जी की बहुत इज्जत करते हैं, और जो जिसका सहारा लेके इस वक्त ये जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर में बिलखसूस कश्मीर की वादी में वहाँ के बच्चों से जो है दूसरे मज़हब के भजन गाने के लिए उनको कहती है, ये वही गांधी जी है जिन्होंने हिंदू मुसलमानों के लिए अपनी जान दी, और जिनकी जान लेने वाला सबसे पहला आतंकवादी इस मुल्क का गोड़ से, जिसकी बीजेपी पूजा करती है।